दिन में पानी नहीं आ लेना पाया था। चाहूं मेरे दिल भर मुझे तुम याद आते। तो ये देखिए इसमें कितना छोटा छोटा कीड़ा बोल रहे दोस्तों। हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में रेशम विलेज ब्लॉग्स में। दोस्तों आज का ब्लॉग मेरा काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि मेरा थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गया था और अभी थोड़ी देर अच्छी लग रही दोस्तों, क्योंकि हम दवाई खा रहे हैं और अभी फिलहाल हम नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते में मेरा देखिए क्या है, लाल चाय, ये रहा मेरा लाल चाय, इसमें गोलकी डाले हैं और अदरक डाल के उबाल के पी रहे दोस्तों। इधर मेरा नाश्ता बन चुका है, नाश्ते में है पोहा, महाराष्ट्र का नाश्ता दोस्तों, पोहा बनाए जो हम लोग को बिहार में बोलते हैं चूड़ा, तो वही उसमें मसाला वसाला देके फ्राई करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए पहले चाय नाश्ता करके उसके बाद हम निधि को भी कुछ नाश्ता पानी करवाते हैं। निधि को बेटा गुड मॉर्निंग बोलो। तो ये सो के उठी दोस्तों, इसको मोबाइल चाहिए नहीं दिए तो ये रो रही है। और आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आज का ब्लॉग मेरा काफ़ी बेस्ट रहेगा दोस्तों, सब ब्लॉग से अच्छा। और चलिए पहले नाश्ता करते हैं, उसको दवाई खाते हैं। तो हम दवा खा लिए हैं और अभी नहा के आ चुके हैं दोस्तों, और मैं अपना बेबी का भी शरीर पोंछ दिए पानी से, इसको नहीं नहाया है, और निधि भी नहा दिए उसको। और मेरा तबीयत इसलिए जल्दी ठीक नहीं हो रहा क्योंकि हम रोटी नहीं खा रहे, हम सिर्फ चावल ही खाते हैं, सिर्फ रात में रोटी खाते हैं दोस्तों। और हमको चावल खाना अच्छा लगता है, रोटी उतना अच्छा पसंद नहीं है हमको। तो चलिए आज मेरे हस्बैंड लगता है मार्केट गए, हम लोग नहा रहे थे, तो देखते हैं आज खाने में क्या होता है, आने दीजिए उसको। और निधि मेरी टीवी देख रही है दोस्तों, और छोटे मेरा मेरे पास है छोटू राज, निखिल राज फैमिली। तो ये देखिए मेरी निधि रहे, वो हाथ रंग के रेडी हो चुकी है दोस्तों, पूरा पैर हाथ रंग लिए। तो देखिए मेरे हस्बैंड आ गए मार्केट से, और मार्केट ही गए थे, तो क्या क्या लाए, तो इतना सारा सामान लाए है, सीम है, बड़ा वाला मिर्ची है, छोटा वाला मिर्ची है, और करेला है, भिंडी है, और क्या है दोस्तों देखना पड़ेगा। तो चलिए मार्केट से आ चुके हैं और अभी हम बैठे हैं। बैगन है, बैगन है, बैगन, हाँ बैगन। तो दोस्तों जो खाएगा बैगन उसको एकदम गुण नहीं होगा, बैगन में कोई गुण नहीं। चलिए देखिए निधि केला खा रही है और ये चोरी चोरी करके सारा केला खत्म कर देगी क्योंकि इसका केला फेवरेट है। तो ये देखिए इसमें 6 केला था, ये 3 को खा चुकी है, 3 को बचा हुआ है दोस्तों। चलिए सब्जी की तैयारी करते हैं, सब्जी में क्या बनेगा। इधर तो सीम पड़ा हुआ है और इधर बड़ी वाली मिर्ची पकौड़े के लिए, उसमें भिंडी उंडिया करेला भी है, लेकिन बुखार में करेला नहीं खाएंगे। तो चलिए आज सीम का रेसिपी हम डालते हैं अच्छी तरह से, और हम अपना कैसे बिहार में बना के खाते हैं सीम दोस्तों, तो आप लोग को बताएंगे आज। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए दोस्तों। ये देख सकते हैं सब्जी की तैयारी हो रही है, दुयो बाप बेटी मिलकर कर रही है। तुम क्या कर रही हो? दुयो नहीं, दोनों बाप और बेटी। क्या कर रही हो? काम कर रही हूं। काम कर रही हो? मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। और इधर जो है और केलवा खिलाइए, केला खा गई सुबह से 2 को। तभी लड़ाई हो रही है दोनों दोस्तों, देख सकते हैं। तो तुम खाई रोमन नीति क्या कर रहा है? क्या दिखाऊं, कौन दिखा रहा है? तो नीति क्या कर रहा है? नीति क्या कर रहा है? वो देख रहा था दोस्तों, इधर मेरा बेबी इधर छोटा वाला सोया है, देख रहा है। और इधर सारा काम किचन में चल रही है खाने पीने की, क्योंकि जल्दी बन जाएगा। और मेरा तबीयत इसीलिए ठीक नहीं हो रहा दोस्तों क्योंकि जो है ना, क्योंकि हम भात खाना ही नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ, होती है और क्या बोले दोस्तों, नाक में दम लगा रखा है, भात खाने जो छोड़े दोस्तों। और तबीयत तो दवा खाते हैं तभी भात खा लेते हैं, इसीलिए इस तरह हो रहा है, सर्दी खांसी ठीक नहीं हो रहा है। चलिए फिर तो अब तब तक हम इधर भात चढ़ाते हैं दोस्तों, भात बनने का मेरा, तब तक उधर सारी तैयारी चल रही है। इधर मेरा चावल है ये डब्बे में, तो ये दे सकते हैं, तो यही डब्बा से हम लोग नाप के खाते हैं। हमको अंदाजा हो जाता है कि हम लोग कितना खा लेते हैं, तो हम लोग जो है ना 3 डब्बा डालते हैं, ज्यादा नहीं। तो देख सकते हैं 3 डब्बा डाल दिए, अभी खाना कम खा रहे हैं। तो चलिए ये देखिए डाल दिए, और बाहर फिर से पानी पड़ना स्टार्ट हो गया दोस्तों। इधर मेरा दूध भी बन के रेडी हो चुका है, और इधर निधि गाना गा रही है, कौन सा गाना गा रही है? पवन सिंह के गाना रघुराई।
चलिए काम भी हो रहा, गाना भी हो रहा, बारिश भी हो रही है ना बेटा छोटी। अरे वो भी देख रहा वहां से। ये देखिए बड़ा मिर्ची का ही पकौड़ा बनाएंगे तो इसको। हाँ, ये देखिए ये क्या है, ऊंट का पेड़ है। तो चलिए दो चार पकौड़ा भी बना लेते हैं साथ में, थोड़ा मन फ्रेश हो जाए दोस्तों। मुँह टेढ़ क्यों कर रही है दीदी लॉलीपॉप? अरे हल्ले जरा क्यों छान लो, तीन तीन को दो दो को हटाओ, छान लीजिए। इसको धो के अच्छी तरह से देखिए इसको सीजने के लिए डाल दिए हैं। ये सीजेगा और इधर मेरा चावल भी चढ़ के रेडी हो चुका है, मिर्ची की पकौड़ा तैयार हो रही है। मेरे हस्बैंड जा रहे हैं पानी लाने के लिए, लगता टाइम खत्म हो गया पानी आने का। अभी टाइम 12 बज गया, तो अभी टाइम 12 बजेगा दोस्तों और पानी 11 बजे आता। तो आज पानी घर में नहीं है मेरा, नहीं जाना बाहर। चलो तो चलिए जितना पानी है उतने पानी में से काम चलाते हैं, और क्या कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि टाइम पता ही नहीं चला। मेरे हस्बैंड मार्केट चल गए थे, हम नहाने में बिजी थे बाल बच्चे के पीछे। दोस्तों इधर मसाले की तैयारी हो रही है, देख सकते हैं आप लोग। इसमें लहसुन डाले हैं और सूखी मिर्ची है और थोड़ी सी अदरक है और गोल सरसों है। इसको दोस्तों पीसेंगे, और इस मिक्सी का इसका ढक्कन नहीं है, ढक्कन हरा गया दोस्तों। निधि अपने बाबू के पास खेल रही है दोस्तों। चलिए और इधर देखिए पिसा रहा है, तैयारी हो रही है। इधर हम बेसन निकाल के रखे हैं पकौड़ा बनाने के लिए। देखिए देखिए मेरा मिर्ची का पकौड़ा बन के रेडी हो चुका है, और सारा निधि खाली भी कर दी खाका के। जान लगता है मिर्ची है, तू खा रही थी कब से, तो यह बना खाई सब पेट भर के रख दो। चलो और मेरा सब्जी भी बन के रेडी हो चुका है दोस्तों। ये देखिए क्या मस्त सीम का सब्जी बन के रेडी हो चुका है मेरा, और अभी जा रहे हैं हम खाना खाने के लिए दोस्तों। तो चलिए फटाफट खाते हैं, सूखा सब्जी बनाए हैं। तो मेरा खाना पीना हो चुका है, फाइनली खा लिए हैं, और अभी जिधर हम लहसुन तेल पका रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मेरा बेबी को सर्दी खांसी और बुखार आ गया है छोटा बेबी को, उसके लिए हम दवा लिए हैं। तो ये देखिए बेबी जिस दो दवा है दोस्तों, ये अभी अपना बेबी को पिलाएंगे और दोपहर का टाइम है। चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो अभी हो गई शाम और हम लोग सारा फैमिली बाहर आए हैं, क्योंकि अभी बारिश ख़त्म हुआ दोस्तों। और इधर मेरे हस्बैंड देखिए क्या कर रहे हैं, पूरा डाइनिंग एरिया में घूर रहे हैं। सो ये देखिए देख रहे हैं कहीं से पानी लीक तो नहीं हो रहा दोस्तों। और ये न्यू किचन है डाइनिंग खाना खाने का, तो अभी ये सब यूज नहीं हो रहा है, सिर्फ बना के भी छोड़ दिया गया। और ये देख सकते हैं आप लोग, और यहाँ से पूरा बाहर का नज़ारा भी आप लोगों को दिखाई देता होगा। निधि किस तरह उलक रही है निधि, और अभी आप लोग को जो है ना बाहर की नज़ारा दिखाएंगे दोस्तों। पानी उखेल किया है ना, और कितना पानी जमा हुआ है चारों तरफ, आप लोग को दिखाते हैं पूरा वीडियो। आज के वीडियो में मज़ा आने वाला है दोस्तों। सो दोस्तों हम बाहर निकल आए, और निधि उधर है क्योंकि गंद मार रहा था अंदर से, पूरा शीशा से लॉक था ना इसीलिए। दोस्तों इतना ज़्यादा बारिश हो गया, बाल्टा भर गया है पानी में, और अभी उधर जो है ना स्विमिंग पूल इतना ज़्यादा गंद मार रहा है, कुछ करने का नहीं। चलिए आप लोग को दिखाते हैं अरे, और हम लोग को काफ़ी दिनों के बाद बाहर आने के लिए मिला है, क्योंकि बारिश हो रहा था, बारिश की वजह से हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे थे बाहर तक। और अभी हम लोग का तबीयत भी थोड़ा अच्छी लग रही है, इसलिए हम लोग इधर आए हैं घूमने के लिए गार्डन में। और निधि भी आई, तुम गिरेगी चप्पल बन के आई दोस्तों। चलिए तो ये देखिए दोस्तों कितना पानी गंद मार रहा है, दोस्तों ये देखिए कितना पानी गंद मार रहा है, और पूरा काला काला पानी हो गया दोस्तों। और ये लगातार 15 दिन से बारिश हो रही थी, इसीलिए कहीं इसको निकलने का जगह भी नहीं है, तो आप लोग देख सकते हैं। और हम बच्चे लेके भी आ गए, क्योंकि उनको थोड़ी सी ब्लॉगिंग करना था इसलिए। चलो बेटा चलो, इसमें कीड़ा भी हो गया। चलो तो ये देखिए इसमें कितना छोटा छोटा कीड़ा बोल रहे दोस्तों, मतलब पूरा गंदगी है इसमें। चलो ये साफ तप होगा इसमें पानी में पूरा गंदा, और इसको कहीं निकालने का दोस्तों। अभी हम जा रहे हैं घर, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा महक रहा है इधर, बहुत कचरा कचरा हो गया, पूरा गार्डन ही कचरा कचरा, देख सकते हैं आप लोग, मतलब पहले की तरह नहीं है। और आपसे हम आप लोग को अच्छी अच्छी वीडियो दिखाएंगे, क्या अभी बारिश ख़त्म हो गया और तो आप लोग ब्लॉग में पानी ठीक करें, क्योंकि यहाँ से पानी फिर से बाहर होने लगा है, देख सकते हैं। मतलब दो दिन से वैसे यहाँ चलने वाला नहीं है, दो दिन में इसको ठीक करना पड़ता है दोस्तों। और निधि इधर से देख रही है, निधि तुम क्या देख रही हो, क्या देख रही है, महक रहा है, क्या महक रहा है, शर्माती रही बहुत अच्छा है बेटी। बच गया है, और पानी का टाइम भी आ गया, और दिन में तो आप लोग देखे हैं दिन में पानी नहीं आ पाया था,
बादशाह मेरे दिलबर, मुझे तुम याराते हो। क्या कर रही है? कभी पानी आया है, अभी 6:30 बज रही है, तो दिन में पानी नहीं भर पाए आप लोग तो देखे होंगे, तो अभी पानी जस्ट भर रहे हैं क्योंकि हम लोग बाहर ही घूम रहे थे, बारिश भी नहीं हो रही दोस्तों, सोचे पानी भर के रख लेते हैं, कल भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे तो करा रही है। और देखिए निधि काम कर रही है, सब काम करना इसको जरूरी है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, चलिए पानी भर के जाते हैं रूम और आपकी आगे की वीडियो दिखाते हैं। दोस्तों अभी हो गई है रात और मेरा खाना बन चुका है रात का, और रात के खाने में क्या है आप लोग को दिखाते हैं, तो आप लोग देखिए। तभी खाने का टाइम हो गया 8 बजे, तो ये रहा मेरा आलू पत्तल की सब्जी दोस्तों, और इधर रहा मेरा रोटी। तो अभी जा रहे हम लोग खाना खाने के लिए, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो ये देखिए दोस्तों निधि अपना पापा को रोटी खिला रहे हैं और निधि का पापा खाना खा रहे हैं। चलो तुम भी खाओ। अच्छा बेटा इतना रोटी को क्यों दे दिए? क्या दे दिया रोटी? इतना रोटी खाएंगे बेटा? बाप रे 5 रोटी से कम नहीं दिया होगा। चलो खाना खाओ। चलो तो मेरा खाना पीना हो चुका है और रात को 10:30 बजे दोस्तों, और हम लोग अभी तक जगे हैं क्योंकि अब बेबी लोग को तेल लगा रहे थे इसलिए इतना रात हो गया। तो दोस्तों ये आज का वीडियो मेरा कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिएगा, और मेरा तबीयत अच्छी तरह से हो गया ठीक, सिर्फ खांसी बचा है तो ये कल तक ठीक हो जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।